press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi friends, मैं हूँ मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम दोस्तों के बारे में जो YouTube पर अपना चैनल बनाकर कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर एक टैलेंट है, वो चाहते हैं कि हम YouTube पर आकर या फिर किसी एक वेबसाइट को बनाकर हम अपने टैलेंट को वहाँ पर लोगों को दिखाएं। दोस्तों देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग या एक YouTube का क्रिएटर बनना बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा करियर है इसमें। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ करें, पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़ें। लेकिन दोस्तों इसमें क्या एक प्रॉब्लम आती है, जो लोग फेस कैम की वीडियो नहीं बनाते हैं वो उनको लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इमेजेस कहाँ से लाएँ, वीडियोज़ कहाँ से लाएँ और उसी के साथ साथ वो फ्री इमेज कहाँ से लाएँ। क्योंकि अगर हम किसी का कंटेंट यूज़ करते हैं यूट्यूब के अंदर तो यूट्यूब हमको स्ट्राइक भी दे देता है। चलिए दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर, अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर लाता हूं मैं नॉलेज ही नॉलेज, नॉलेजेबल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए मेरी मोबाइल स्क्रीन पर बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस को डाउनलोड करना है। और आप किसी भी साइट पर, अपनी वेबसाइट पर, अगर ब्लॉगर हैं किसी भी ब्लॉग पर, यूट्यूबर हैं किसी भी यूट्यूब के चैनल पर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपी कोई भी जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक, कोई भी कुछ भी नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कर लेना है अपने प्ले स्टोर को ओपन और वहां पर डालना है पिक्साबे। देखिए सबसे पहले जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का। दोस्तों अभी मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहां से कर लेता हूं उसको डायरेक्टली ओपन। ओपन करने के बाद मेरा ये मोबाइल में इसका इंटरफेस ऐसा होगा। उसके बाद देखिए, अगर मैं इसको राइट साइड की तरफ क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, और अगर इधर की तरफ क्लिक करता हूँ तो ये जो ऑप्शन आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आते हैं पॉपुलर इमेजेस जो पॉपुलर हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आप लेटेस्ट करेंगे तो लेटेस्ट भी आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर हम इधर कर देते हैं तो ये है इसका होम पेज, और अगर इसको राइट साइड कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे एनिमल्स की कैटेगरी है, बैकग्राउंड्स की कैटेगरी है, बिल्डिंग्स की कैटेगरी है, एजुकेशन है, कंप्यूटर है, फैशन है, उसके साथ साथ बहुत सारे ये कैटेगरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपका टेक का चैनल है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी, और उसको कर दीजिए सर्च। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इमेजेस निकल कर आ जाएंगे। अभी फिलहाल थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद देखिए ये सारे वीडियोज में आप इन इमेजेस को अपने यूज़ कर सकते हो। और भी दोस्तों बहुत सारे इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ करना चाहते हैं अपनी वीडियोस में, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं लैपटॉप या फिर डाल सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर। जैसे मैं कंप्यूटर यहाँ पर टाइप करता हूँ, उसके बाद सर्च पर मारता हूँ, ये देखिए इतने सारे इमेजेस कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप कैटेगरी के उस थ्रू भी आप इसको क्या नाम है सर्च कर सकते हैं किसी भी इमेज को। यहाँ आपके सामने जो है दोस्तों ये आ जाएगा, फीलिंग्स है, इंडस्ट्री है, म्यूज़िक है, म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक के सारे इमेजेस आपके लिए आ जाएंगे। इन इमेजेस को आप क्या करेंगे, पहले मैं किसी भी इमेजेस को ओपन करूँगा, उसके बाद ये ऊपर जो कॉर्नर आ रहा है इस पर क्लिक करके मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, ये एकदम से मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जो है करके आप अपने यूट्यूब के लिए दोस्तों वीडियोज़ बना सकते हैं और इन इमेजेस को अपने YouTube की वीडियो में जो है यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी आप तमाम दोस्तों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।